A very good morning to all my viewers. Let's continue the chapter, the adaptation for survival in animals. So in last video we talk about adaptation in aquatic animals, and now we will teach, we will learn adaptation in aerial animals and arboreal animals. Aerial animals क्या होते हैं? जो लोग फ्लाई करते हैं स्काई में, हवा में आराम से, उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं. द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इज नोन एज आर नोन एज एरियल एनिमल्स. एग्जाम्पल्स जितने भी बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, ये सब एरियल एनिमल्स में काउंट होते हैं. इनके फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर्स दे हैव? इनके पास क्या क्या फीचर्स है? तो इनके फीचर्स है मॉडिफाइड विंग्स. इनके पास मॉडिफाइड विंग्स है, काफ़ी बड़े विंग्स, चौड़े विंग्स होते हैं जिससे वे आराम से फ्लाई करते हैं. दूसरा इनके पास एडेप्टिव फीचर है फीदर्स, ठीक है. पंख भी इनके काफ़ी चौड़े होते हैं जिससे वो रात के टाइम पे फ्लाई कर पाते हैं. और पंख से फ़ायदा इनको ये होता है कि दे कीप वार्म, ठीक है, वे अपनी बॉडी को गर्म जो रखते हैं वो इस फीदर्स की वजह से होते हैं, ठीक है. तीसरा है हॉलो बोन्स. इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं. हल्की इसलिए होती हैं कि वो खोखली होती हैं, ठीक है. जैसे कि पाइप आपने देखा है, पाइप के अंदर गैप होता है, ठीक है. खोखली हड्डी होती है जिसको हॉलो बोलते हैं, जिसके कारण वो जब उड़ते हैं तो उसमें हवा भर जाती है, ठीक है, लेकिन हवा होल्ड नहीं कर पाती, ठीक है, जिसके कारण वो उनकी बॉडी भारी नहीं होती और वो आराम से उड़ पाते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी, कभी आपने सोचा है कि एरोप्लेन जो होता है, ठीक है, उसका शेप इस टाइप शेप से होता है, आगे से नोकीला होता है, ठीक है, और पीछे से थोड़ा फैल जाता है, ऐसे इस शेप का होता है एरोप्लेन, ठीक है. हेलीकॉप्टर भी इस शेप का होता है. तो क्यों होता है? इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप होना, आगे से नैरो और पीछे से ब्रॉड हो जाता है. तो स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, साइंटिस्ट जिसने भी ईजाद किया, इन्वेंट किया इन चीज़ों को, तो देखा कि ये जो उड़ते हैं जो जानवर, उनसे आइडिया आया उनको, फिर इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है, यानी आगे से नैरो पीछे से ब्रॉड, वो क्या करती है? हवा के प्रेशर को काट देती है, ठीक है, कम करती है. हवा जिससे सामने आ रहा है तो इसके प्रेशर को वो क्या करती है? कट करती है और कम करती है. तो इसी वजह से इनका भी ऐसा फीचर होता है कि आगे से इनकी चोंच निकलती होती है बीक, और ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है, इस तरह से. तो इससे इनको फ़ायदा हो जाता है कि ये अच्छे से प्रेशर, हवा, तेज़ प्रेशर के हवा को भी काट के आराम से फ्लाई करते हैं. तो ये सब चार फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एरियल एनिमल्स आराम से अपना ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद है एयरबोरियल एनिमल्स, ठीक है. इसके बारे में मैंने बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर पेड़ पर अपना जीवन बिताते हैं, उनको एयरबोरियल एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स मंकी, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड चिंपैंजी. ये क्या हैं? पेड़ पे एयरबोरियल एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लीव द मोस्टली लीव ऑन ट्री. अपना जिंदगी ज़्यादातर पेड़ पे बिताते हैं, वो एयरबोरियल एनिमल कहलाते हैं. इनके पास क्या एडेप्टिव फीचर होता है? इनके पास एडेप्टिव फीचर होता है कि ये पहला स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट चेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेस्ट होता है. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और स्टाउट मतलब भी मजबूत होता है और लार्ज होता है, बड़ा, थोड़ा चौड़ा साइड उनका चेस्ट होता है. नेक्स्ट है हिप गर्डल्स. हिप गर्डल्स क्या होता है? कमर धामनी कहते हैं उसको. ऐसे हिप गर्डल जो है थ्री बोन्स का स्ट्रक्चर है, तीन हड्डियों से बना एक स्ट्रक्चर है. ये क्या फ़ायदा करता है? हिप गर्डल से क्या हमको फ़ायदा होता है? इनके जो नाजुक अंग हैं, जैसे किडनी, जैसे हम लोग में भी हिट गर्ल्स होता है तो हम लोग हिप गर्ल्स किडनी और लीवर ये सब को प्रोटेक्ट करता है, तो उनके भी अंग्स को प्रोटेक्ट करता है. साथ में सबसे जो मोस्ट फ़ायदा बेनिफिट देता है हिप गर्ल्स, वो लोग पेड़ पे पकड़ कैसे लटकते हैं, घूमते हैं पेड़ के चारों ओर, तो उनका हिप गर्ल्स है फ्लेक्सिबल होता है और उसको घूमने में आराम से मदद करता है और बाकी के अंग को सपोर्ट करता है, लेग्स को सपोर्ट करता है. ये हिप गर्ल्स का काम है. हैंड फीट एंड फिंगर्स. तो इनके पैर जो होते हैं, पंजे और फिंगर, इनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है. ग्रास्पिंग कैपेसिटी का मतलब होता है उनकी जो पकड़ होती है काफ़ी मजबूत होती है आम मतलब जानवर के कंपैरिजन में, ठीक है, जिसके कारण वो डाली को पकड़ के आराम से घूम सकते हैं और कम मतलब
पतली डाली भी है तो उसको अच्छे से ग्राफ कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद है टेल, इनकी टेल काफ़ी लंबी होती है और इसमें भी चीज़ों को होल्ड करने की, पकड़ने की काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, जिसके कारण वो अपनी पूंछ से भी चीज़ों को लपेट लेते हैं या पकड़ के उठा लेते हैं। तो ये सब अट्रैक्टिव फीचर होता है इनके पास, बड़े एनिमल्स के पास, जिसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये सब अडैप्टिव फीचर, हर जानवर, हमने देखा कि हर जानवर के पास कुछ अडैप्टिव फीचर्स होता है जिसका इस्तेमाल करके वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, एरबोरियल एनिमल्स, इन सब के फीचर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग फूडिंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, और कैमोफ्लेज के बारे में बात करेंगे कि वो प्रोटेक्ट खुद को कैसे करते हैं अपने हमलों से। आपका काम है एज अ होमवर्क, आप इसके डिफिनेशंस याद रखिए और इसके अडैप्टिव फीचर जो मैंने लिखवाए हैं वो याद रखिए। सैटरडे या संडे मंडे तक मैं आपको नोट्स रिटेन में दे दूंगा, अंटिल देन तक आप खुद से अपना नोट्स बनाएं और याद करें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाएगा, उसको भी आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया जाएगा। अंटिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।